भाई और बहनों, बेनीपट्टी में हम आज फर्जी हॉस्पिटल का भंडाफोड़ करने वाले हैं। खूनी दरिंदों का जो मौत के सौदागर बेनीपट्टी में घूमते फिर रहे हैं, आपको हर एक जगह, हर एक चौक, हर एक चौराहे पर मिलेंगे। आपको आपको बताने के लिए बताना चाहिए, 6 महीने में 8 मर्डर हुआ है बेनीपट्टी में। सिर्फ 6 महीने में 8 मर्डर, जो कि ऑन रिकॉर्डेड है। उसके बाद कितने लोगों की जान चली जाती है इस हॉस्पिटलों में, और किसी को कुछ पता नहीं होता। इसमें सबसे कष्टदायक वाली बात यह है कि जिस हॉस्पिटल को 28/12/2019, मतलब 28 दिसंबर 2019 को बंद करवा दिया गया था, उसमें उस हॉस्पिटल में आज 7 जून 2006 को मरीज की मृत्यु हो जाती है, उसको कोई देखने वाला नहीं। तो मुझे कोई सरकारी पदाधिकारी इसकी जानकारी दे कि जिसको आपने, जिस हॉस्पिटल को आपने दिसंबर महीने में बंद करवा दिया गया है, वो फिर अभी आपको चालू कैसे मिला? क्या है आपके पास में कोई जवाब? हम सबसे पहले आपको एक नोट पढ़ के बताना चाहेंगे, जो कि बिहार सचिवालय से जारी किया गया। पूरा पढ़ेंगे। प्रेषक चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मधुबनी चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी, समादेश राज्य का 20/44/2014, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिहार चैप्टर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले जांच प्रतिवेदन के संबंध में। प्रसंग भवदीय प्रतांक 32/74 दिनांक 11/12/2019। महाशय, उपयुक्त विषय संबंध में सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रतांक 16/90 दिनांक 13/12/2019 के द्वारा इस संस्थान के कार्यरत डॉक्टर प्रताप नारायण झा, जो कि डॉक्टर पीएन झा के नाम से बेनीपट्टी में मशहूर हैं, चिकित्सा पदाधिकारी एवं श्री राजेश रंजन, स्वास्थ्य प्रबंधक, जो कि मेरे मैनेजर बेनीपट्टी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसी के हैं, इसके द्वारा इस प्रखंड अंतर्गत विभिन्न नर्सिंग होम पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड का जांच हेतु भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट निम्नलिखित है। पहला नाम बोलना चाहेंगे महोदय, मनोकामना हेल्थ केयर क्लिनिक अंबेडकर चौक बेनीपट्टी। इसको बंद कराने का रीजन था गैर मानक होने के कारण निबंधित नहीं, बंद कराने का आदेश। भगवती नर्सिंग होम अंबेडकर चौक बेनीपट्टी, इसका भी सेम कारण है, गैर मानक होने के कारण इसको भी बंद करवा दिया गया था। उसके बाद आकाश हेल्थ केयर क्लिनिक अंबेडकर चौक, फिर शिवम सेवा संस्थान अनुमंडल रोड बेनीपट्टी, वैष्णवी हेल्थ केयर सेंटर अनुमंडल रोड बेनीपट्टी। आपको ये 5 नाम में जो बताया है, बहुत बड़ी भूमिका है कि आपको सिर्फ अंबेडकर चौक पर अगर 5 गो फर्जी नर्सिंग होम मिल रहा है, आप सोच सकते हैं कि बेनीपट्टी में कितना होगा। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए फिर आगे ले चलेंगे। न्यू भगवती हेल्थ केयर क्लिनिक अनुमंडल रोड बेनीपट्टी, एक ही जगह पे आपको दो दो नाम के क्लिनिक मिलेंगे, कहीं आपत्ति नहीं है। अमृत सेवा सदन उचैठ बेनीपट्टी, फैमिली हेल्थ केयर एंड डेंटल केयर सेंटर कटैया रोड बेनीपट्टी, और सबसे बड़े इसमें मुद्दालय है लाइफ केयर सेंटर कटैया रोड बेनीपट्टी, जो कि हमेशा पेशेंट को मारने में जग जाहिर माहिर है। ये हमको लगता है कि 1 महीने में 1% जरूर मारते हैं। उसके बाद इनका एक नया केस है, नाम नहीं बताएंगे आपके, इसको लगता है कुमार को, पूरा नाम नहीं बोलना चाहेंगे हम। पेशेंट आया गया, उसको मार देता है, उसके बाद आपसे सिर्फ और सिर्फ सादा पेपर पे सिग्नेचर लिया जाता है, एज ए साइन करके लिया। उसके बाद आपसे 75,000 रुपये की वसूली की जाएगी, उससे कम में नहीं बनता है। हम इस लाइव के माध्यम से उन्हें बताना चाहेंगे, बाबूरे थोड़ा शांत हो जाओ, बेनी पट्टी उखाड़ के फेंक देंगे, कहीं जा नहीं पाओगे। बोलते हो हम यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आयुष का कुछ नहीं। इस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा है कि लाइफ केयर सेंटर में डॉक्टर संतोष कुमार नाम का कोई डॉक्टर नहीं है, जो कि यहां पर आपको बगल में दिख जाएगा, डॉक्टर राम आशीष प्रसाद, हमारे प्रबंधक राजेश रंजन, और ये डॉक्टर प्रताप नारायण झा और पीएन झा है बैठे हुए। इसमें लिखा हुआ साफ तौर पे, जहां पे ये
हम इनको नीरज जी को बोलेंगे कि ये दिखाएं जहां पे कर्सर लिखा हुआ है, इस हॉस्पिटल में कोई भी संतोष कुमार नाम का अभियुक्त डॉक्टर नहीं है। अच्छी बात है वो नहीं है, तो फिर हमें ये बताइए कि ये जो है डॉक्टर एस कुमार कहां से पैदा लिया भाई। डॉक्टर एस कुमार, चलिए वहां तक सही है, ये तो दिसंबर का रिपोर्ट था। अगर ये दिसंबर में वो डॉक्टर साहब मर गए थे तो फिर ये जो अभी नया वाला जो जून जुलाई में आप जो गुल खिलाए हैं पेशेंट को मार करके, वो फिर कहां से आया? ये भी बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, इसके बाद भी है। और इस तरह से बेनीपट्टी में उसके बाद दिसंबर में जब 12 हॉस्पिटल को बंद करने का उच्च न्यायालय की ओर से आदेश दिया गया था, उसके बावजूद जो है तो फिर यहां पे दर्जनों नए नर्सिंग होम फर्जी चालू भी हुए हैं। हम जनता से अपील करेंगे कि वो इनसे बचे। बेनीपट्टी में 2 दर्जन से अधिक फर्जी नर्सिंग होम है, और आप जो प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड लगा करके करहरा का पेशेंट को मारे हैं 4 दिन पहले, बिसौली का पेशेंट 2019 की घटना है, आपको बताना चाहेंगे। सोच लीजिएगा, जो आप प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड बड़ा लगा करके घूमते रहते हैं, बड़ा बोलते हैं हम फलना जगह पोस्टेड हैं, 8वीं पास बीबी को बैठाते हैं ना, तो सोचिएगा, स्थिर रहिए। 8वीं पास बीबी है, ABCD नहीं जानती है? आप पे भी बेनीपट्टी है भैया, कभी उठा के पटक देगा आपको। तो हम आप लोगों को ये फर्जी नर्सिंग होम से अवगत करवाया है, जो कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर कानून की धज्जियां उड़ा करके 2 दर्जन से अधिक फर्जी नर्सिंग होम घूम रहे हैं। और इसमें गांव घर के आशाओं, बिचौलिया, छोटे मोटे प्रैक्टिशनर सब चांदी काटने पर लगे हुए हैं। सभी भाइयों से निवेदन है, इन लोगों से बचे, हम कोशिश में रहेंगे। इससे पहले भी मुझे 12 जुलाई 2019 को गोली मारने की धमकी दी गई थी, और मैं इसके लिए लड़ता रहा, लड़ता रहूंगा, जब तक जीता हूं तब तक उन लोगों को जीना नहीं दूंगा। यहां पे कमीशन देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले सप्ते और भी बहुत सारे को पोल खोलूंगा, और अभी तो थोड़ा गुप्त रूप में बात किया हूं। कुमार जी अस्थिर रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अविनाश झा बेनीपट्टी से तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं।